हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमिताज किचन, कुछ मीठा कुछ नमकीन। आज मैं आपके लिए मेन कोर्स की रेसिपी नहीं लाई हूँ, स्नैक की रेसिपी नहीं लाई हूँ। देखिए, मैं आज आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो आपके खाने के टेस्ट को, स्वाद को, हर चीज़ को बढ़ा देता है। मैं आपके लिए दो तरीके के प्याज की रेसिपी लेके आई हूँ, सिरके वाले प्याज की और लच्छा प्याज की रेसिपी। तो चलिए मैं ये दिखाती हूँ, क्योंकि ये खाना तो हम बनाते ही हैं, स्नैक्स बनते हैं, पर उसके साथ अगर साथ में देखिए, कहते हैं ना अचार पापड़ खाने के स्वाद को दुगना कर देता है, उसी तरह ये सिरके वाले प्याज, लच्छा प्याज भी हमारे खाने के स्वाद को दुगना कर देते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इन दोनों की रेसिपी दिखाती हूँ। सबसे पहले हम सिरके वाले प्याज की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। इसके लिए देखिए, मैंने आप प्याज के साइज़, अगर आपको बहुत छोटे वाले प्याज मिल जाते हैं, बेबी अनियंस, वो तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ आपको जिस साइज़ के मिले। इसके लिए देखिए, मैंने थोड़े से प्याज लिए हुए, 7-8 प्याज हैं, और थोड़ा सा मैंने देखिए हाफ चुकंदर डाला हुआ है। जनरली क्या होता है, होटल्स में जो सिरके वाले प्याज मिलते हैं उसमें वो लोग ऑरेंज कलर यूज़ करते हैं, तो वो मेरे ख्याल से तो ऑरेंज कलर हमको हेल्थ के लिए भी नहीं अच्छा होता, आपको पता ही है। तो इसके लिए अब हम चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे। आप देखिएगा क्या बढ़िया कलर आता है। और ग्रीन चिलीज ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो। मैंने 4 से 5 ग्रीन चिलीज ली हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम डालेंगे सबसे पहले देखिए ये अनियंस ले लेंगे, ठीक है। इसको छीला हुआ है इस तरीके से, इसके 2-3 इस तरीके से लगा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से, और इसमें डालते जाएंगे ये अनियंस हम अपने, जिससे ये इसलिए करने हैं चीरे लगाने हैं, क्योंकि इसमें जब हम सिरका डालेंगे, सब डालेंगे, तो अच्छे से ये अंदर तक इसके प्याज में ये चला जाए। ये हमारे सारे प्याज हो गए, हम इसको वापस प्लेट में डालते हैं। देखिए, और हमने ये बाउल ले लिया, इसमें हम डालेंगे 1/2 कप वाइट विनेगर, इसमें डाल देंगे 1/2 कप वाइट विनेगर डालेंगे और 1/2 कप पानी डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अराउंड, सॉल्ट टू टेस्ट है आप, अराउंड नमक डाल देंगे, और इतनी ही हम शुगर डालेंगे, शुगर डाल देंगे, और इसके बाद हम इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा, और उसके बाद हम देखिए इसमें डालेंगे, ये देखिए मैंने लिया हुआ था 1 पीस टुकड़ा का चुकंदर का, जैसे बहुत छोटा छोटा काटना चाहते हैं आप, या बड़ा 2 पीस बड़े करके डाल के डाल दीजिए इसमें, ऐसा नहीं है, आप बाद में चाहें तो निकाल सकते हैं, पर इसको निकालिए नहीं, खाइएगा, चुकंदर भी बहुत टेस्टी लगता है। उसके बाद ये प्याज काट के डाल दिए इसमें, और उसके बाद ये ग्रीन चिलीज है, ये देखिए आप इसको, हमने ऐसे ही इसमें इस तरीके से चीरे लगा देंगे। आप चाहें तो ऐसे ही डंडी समेत डाल दीजिए मिर्चें, और चाहें तो आप इसको यूँ काट के डाल दीजिए, जैसे आपकी चॉइस है, आप जैसे डालना चाहते हैं उसी तरीके से ग्रीन चिलीज भी आप इसमें, एक साबुत डालना है तो ऐसे डाल दीजिए, जैसे आपकी चॉइस है, आप जितनी डालनी है। अगर आपको नहीं डालनी, क्योंकि सिरके वाले प्याज बच्चे भी शौक से खाते हैं और बड़े भी, तो ठीक है, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए, जितनी मिर्चें भी डालना चाहते हैं। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसको कम से कम मिनिमम 2-3 आवर्स के लिए इसको छोड़ देंगे, कम से कम। और अगर बेटर तो ये है कि अगर आप शाम को बना दें और नेक्स्ट डे खाएं, वो ज़्यादा बेटर है कि 6-7 आवर्स मिनिमम इस रखेंगे, जितना तो उतना और ही बढ़िया ये हो जाएगा प्याज। तो चलिए अब हम दूसरा लच्छे वाले प्याज बना लेते हैं। चलिए अब हम लच्छे वाले प्याज बनाना बताती हूँ मैं आपको। इसके लिए देखिए, मैंने प्याज छील के रखे हुए, अब इसके लिए प्याज इतना काट लेंगे, बहुत महीन प्याज मत काटिएगा, क्योंकि नहीं तो प्याज में जैसे फिर पानी छोड़ जाएगा थोड़ा सा, इसमें लच्छे वाले प्याज में बहुत महीन नहीं काटिएगा, फिर बिल्कुल थोड़ी देर बाद ही वो पानी पानी हो जाता है। इस तरीके से हम सारे प्याज काट लेंगे, देखिए इस तरीके से हम सारे प्याज काट लेते हैं। सारे प्याज कट गए, इसी तरह अब हम इसके ये लच्छे निकाल लेंगे, सारे अलग अलग कर लेंगे इसके। देखिए मैंने बहुत, वैसे आपको बताया, बहुत महीन नहीं काटे हैं प्याज, थोड़े से, देखिए इस तरीके से हम इसके सारे के लच्छे अलग कर लेंगे। हमने सारे लच्छे अलग कर लिए, इसके बाद हम एक बाउल लेंगे, उसमें सारे ये डाल देंगे प्याज के लच्छे जो निकाले हुए हमने। इसके बाद ये देखिए, एक बाउल में हमने इसको डाल दिया है, ध्यान देख लेंगे, चेक कर लेंगे लच्छे सारे निकले हुए हैं नहीं हुए,
इसके बाद हम इसमें एक बड़ा टेबल स्पून लेमन जूस डाल देंगे। आप चाहें तो विनेगर भी डाल सकते हैं, पर मैं प्रेफर करूंगी कि आप इसमें नींबू का जूस डालिएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगता है। इसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून शुगर डाल देंगे, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाल दिया इसमें, और एक बड़ा देखिए 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे हम इसमें, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जनरली कई बार होता है होटल्स में ये लोग ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करते हैं, वो मेरे ख्याल से क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च देखिए ज़्यादा कड़वी नहीं होती है, एक तो ये कलर और हल्का सा टेस्ट ऐड करती है। किसी भी आप सब्जियों में भी देखिए हम कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं उसको कलर देने के लिए। ये देखिए ये हमारे ये देखिए लच्छा ये तैयार हो गए हैं बिल्कुल। इसमें चाहें तो हम एक दो हरी मिर्चें भी इसमें आप काट के डाल सकते हैं। देखिए एक हरी ग्रीन चिली मैंने 4 टुकड़े करके ऐड करी है, ये ऑप्शनल है टोटली, आप डालना चाहें, क्योंकि हरी मिर्च से ना एक थोड़ा सा प्याज में हल्का सा फ्लेवर आ जाता है हरी मिर्च के साथ का, वो बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद हम हरा धनिया डालेंगे इसमें और इसको मिक्स करके छोड़ देंगे अराउंड। आप ये जैसे डिनर है आपके घर या खाने के साथ आप बना रहे हैं तो 10 से 15 मिनट पहले ये वाले प्याज तो बना लीजिए, ताकि सिरके वाले प्याज तो मैंने आपको बताया है कि कम से कम 3 घंटे आप रख के छोड़िए, तभी उसका मज़ा आता है और कलर आता है। देखिए ये हमारे रेडी हो गए और हमारे सिरके वाले प्याज भी 3 घंटे हो जाएँ, उसके बाद मैं आपको दोनों दिखाती हूँ कि सिरके वाले प्याज का रंग देखिए कैसे आया है। ये देखिए इसका कलर तो आपको दिख ही रहा है कितना सुंदर लग रहा है। छोले भटूरे के साथ ये प्याज यम लगते हैं, आलू पूड़ी कचौड़ी के साथ ये प्याज बहुत यम लगते हैं। तो चलिए अब हम सिरके वाले प्याज का 3 घंटे हो जाए उसके बाद मैं दोनों आपको दिखाती हूँ। देखिए 3 घंटे हो गए, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये देखिए कितने बढ़िया हो गए। ये देखिए सिरके वाले प्याज, ये देखिए आपको लग रहा है कि आपको कलर डालने की ज़रूरत है। ये देखिए बीट रूट डालिए आप, आपके एक तो हेल्दी भी, कलर नुकसान करता है, कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए अगर इसमें देखिए बीच में हरी मिर्च के थोड़े थोड़े से बीज हैं, आप चाहें तो निकाल सकते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये देखिए सिरके वाले प्याज मेरे यम टेस्टी खाने के साथ खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए अब हम दोनों प्याज को आपको दिखा देते हैं, उसको भी रखे हुए टाइम हो गया, तो चलिए अब हम दोनों सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे सिरके वाले प्याज और मसाला लच्छा प्याज बिल्कुल रेडी हो गए खाने के लिए। इसको आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर किसी समय भी खा सकते हैं, सब चीज़ों के साथ, छोले भटूरे कचौड़ी आलू खाना, आपने दाल मखनी बनाई है, कढ़ाई पनीर बनाई, सबके साथ हर सब्जी के स्वाद को टेस्ट को दुगना कर देते हैं साथ में हो। तो जो रेस्टोरों में बनते हैं वो कलर वाले होते हैं, तो आप हम हेल्दी ये बनाएंगे इसमें हम चुकंदर डाल के, तो आप ट्राई करिए देखिए सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और आप मेरे और भी वीडियोस देख रहे होंगे, वो भी आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे वीडियोस। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ 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 अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।